हफ्ते के आखिरी दिन बाजार है तैयार एक दमदार तेजी के लिए। अमेरिकी बाजारों से महंगाई के आंकड़ों के बाद आया जबरदस्त रिकवरी का माहौल, उस पर आज भारतीय बाजार दिखाएंगे दमदार एक्शन। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। शानदार, बेहद शानदार रिबाउंड आया है और इसके बारे में कल थोड़े संकेत अंजी दे भी रहे थे कि इतना गिर गया है अब तो बाउंस करना चाहिए, तो इसको समझेंगे। हमें क्या करना है ये भी समझेंगे, कैसे बनाएंगे रणनीति। बताएं सर, आज के तो दमदार ट्रिगर्स दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली दीप, ट्रिगर्स हम दुनिया भर से भी अच्छे हैं और हमारे खुद के अपने भी अच्छे। पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लें। निचले स्तर से अमेरिका में 1400 अंकों की रिकवरी हुई है और डाउ 800 अंक से ज़्यादा मजबूती के साथ बंद हुआ है। एसजेक्स निफ्टी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 17,300 पर पहुंचा है। जितना लेट खुलेंगे उतना ऊपर खुलेंगे, ये मन एसजेक्स निफ्टी ने बना रखा है। माइंडट्री और इंफोसिस दोनों ने शानदार नतीजे पेश किए हैं और नतीजों के साथ इंफोसिस का बायबैक भी मजबूत आता हुआ दिखाया 1850 रुपये पर। आज बजाज ऑटो के नंबर है निफ्टी में और वायदा कारोबार में तीन कंपनियों के नतीजे, तो नतीजों के लिहाज से भी एक्शन भरपूर रहेगा। तो सब तरफ से अच्छी खबर है, चाहे हमारी कंपनियों के नतीजों के लिहाज से देखें, चाहे हमारे बाजारों के लिहाज से देखें, एक्शन भरपूर है। एक्शन तो भरपूर है अनिल जी। और अब कल जो आपने इंडिकेशन दिया था कि इन्फ्लेशन का डेटा पचा लिया है बाजार ने, और कितना बिकेंगे, हल्के हो चुके हैं, वही होते हुए दिखा, क्योंकि आंकड़ा तो किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं आया बल्कि अनुमान से ज्यादा ही आया। इनिशियली वो रिएक्शन भी रहा, बट उसके बाद ये जो 1400 का इंट्राडे पॉइंट स्विंग है, ये क्या था सर? ये प्योरली शॉर्ट कवरिंग। लगातार सातवां दिन था जब अमेरिकी बाजार नीचे खुले, राइट? छह दिन से हम कमजोर हो रहे हैं। एक दिन का 35 पॉइंट का निकाल दो डाउ का, तो उसका कोई मतलब नहीं है। नैस्डैक तो लगातार छह दिन और डर इसी चीज का था कि महंगाई ऊपर रहेगी। डर इसी बात का है कि महंगाई ऊपर रहेगी तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, ब्याज दरें बढ़ने पर डॉलर इंडेक्स मजबूत रहेगा, बॉन्ड यील्ड्स मजबूत रहेंगे, और उसी के डर से अमेरिकी बाजार लगातार 6-7 दिन से गिर रहे थे। और कल भी नंबर्स, अब देखिए दीप, पिछले महीने क्या था, 8.3%, उम्मीद क्या थी, 8.1%, आया क्या, 8.2%। अरे भाई, मतलब 10 बेसिस पॉइंट कमी आ जाता, मैं कौन सा पहाड़ टूट जाता है, कौन सा फर्क पड़ जाता है। मतलब 8.1 आ जाता तो क्या इकोनॉमी अच्छी हो जाती, या 8.3 आ जाता तो और खराब हो जाती। बात वो है ही नहीं है। बात इन्फ्लेशन के नंबर पर है ही नहीं। इन्फ्लेशन के नंबर को मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी आपने चूंकि मार्केट पर सवाल पूछा तो मैं मार्केट पर बता दूं, प्योरली नंबर देखकर लोगों को थोड़ा ये था कि चलो नंबर अच्छा आ जाएगा तो ठीक है, रिलीफ मिलेगी, संकेत मिलेंगे, लेकिन नंबर 10-20 बेसिस पॉइंट, हाँ कोई बहुत ज्यादा खराब आता तो अलग बात है कि 8.3% से बढ़कर आ जाता, 8.5%, 4%, तो फिर शायद रिएक्शन खराब होता। लेकिन वो पहला रिएक्शन जो आता है नंबर फ्लैश होता ही, वो रिएक्शन आया, उसमें 550 पॉइंट और डाउ गया। अब लगातार सातवें दिन अगर आप इतना गिरेंगे, ओवरसोल्ड मार्केट में है, तो फिर हल्की सी शॉर्ट कवरिंग में जो कमाल होता है वो कल आपने अमेरिका में देखा है। तो अमेरिका में कल कोई भी अच्छी खबर ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से आपको इतनी तेजी दिखानी पड़े, लेकिन अच्छी बात यही थी कि इस बड़ी इवेंट के पहले अमेरिकी बाजार बेहद हल्के थे, बॉन्ड यील्ड हायर लेवल पर, डॉलर इंडेक्स हायर लेवल पर, और ऐसे में सारी जो इन तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ों में एक रिवर्सल आना तय था, वो रिवर्सल शॉर्ट कवरिंग की वजह से मिला। चाहे आप ये कह दें कि डॉलर इंडेक्स कमजोर होना शुरू हुआ हो, चाहे डाउ रिकवर होना शुरू हुआ हो, चाहे बॉन्ड यील्ड्स ठंडी होना शुरू हो, काम तो तीनों ने साथ ही किया है। काम तो तीनों ने साथ ही किया। अब जिनको भारतीय बाजारों से जोड़ना है, काफी लोग कल जोड़ रहे, जैसे ही चांद दिखा डाउ घूम गया। मुझे तो ट्विटर पे पूरा चल रहा नहीं, ये तो क्रिएटिव, इसकी तो आजादी पूरी होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, ये करे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आलतू फालतू की चीजें लिखे ना लोग, उससे बढ़िया ये कोरिलेट कर ले अच्छी चीजों के, तो भी कोई बात नहीं, कम से कम पॉजिटिविटी फैला रहे। अब वो कारण जो भी रहा हो, कारण तो शॉर्ट कवरिंग का है। अब शॉर्ट कवरिंग चांद दिखने के साथ आ गई तो अलग बात है, बट ओवरऑल यही है कि हल्के बाजार, बड़ी इवेंट की रिस्क निकल गई और उस वजह से बाजार भागे। अब जहाँ तक इस रिकवरी का सवाल है अमेरिकी बाजार में दीप, मुझे लगता है 30,300-30,500 की रेंज तक का तो जगह दिख रही, 30,238 पर डाउ बंद हुआ है, तो 30,200 से 30,500 के आसपास तक जाने की जगह, 300-500 पॉइंट की जगह और डाउ में अभी दिख रही है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो मेरे ख्याल से 400-500 पॉइंट की जगह बन सकती है, कहीं कहीं 30,200 से 30,500 की रेंज में जाकर डाउ एक बार रुकेंगे, वहां से फिर हम रिव्यू करेंगे आगे क्या कुछ होता है। तो थोड़ी तेजी की जगह और, थोड़ी जगह है 200-500 पॉइंट की और जगह, कल की क्लोजिंग से मैं बता रहा हूँ। उसमें से कुछ तो आप डाउ फ्यूचर्स को कवर करते हुए देख ही रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स आपका अभी ऑलरेडी 30,266 एग्जैक्टली, हाँ वही है ना, 30,200 से 30,500 की जो हम बात कर रहे हैं उतनी जगह है, उसके बाद रिव्यू करेंगे।
अच्छा हाँ, अदरवाइज एक जो बढ़िया बाउंस नीचे से जाइए, कल नीचे से आप देखेंगे तो 1400 पॉइंट हो गया, 500 पॉइंट हो, यानी करीबन करीबन 2000 पॉइंट की रिकवरी आने के बाद डॉ फिर वहां पे 3500 के आसपास रुकेगा, फिर देखेंगे ठीक है। तो यहाँ से 400-500 पॉइंट मान लीजिए और आपको मूव आ सकती है, बट एक जो वो खतरा था वो अभी भी बना हुआ है क्योंकि फेड अग्रेसिव रहेगा, रेट हाइक्स आपके रह सकते हैं, क्योंकि चलिए ठीक है बाजार ने जो रिएक्शन दिया बट कुछ बदला तो नहीं जैसे आप कह रहे थे। नहीं देखो, अगर फेड को अमेरिकी बाजारों की रिकवरी को देखकर डिसाइड करना है कि ब्याज दरें बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, exactly. तब तो खतरा टल गया एक बार, आप कह सकते, लेकिन वैसा तो होना नहीं है। देखना तो आपको अमेरिका में महंगाई के आंकड़े, और महंगाई के आंकड़ों में तो कहीं कोई राहत नहीं है दीप, इस बार है ना महंगाई के आंकड़े थोड़े परेशान करने वाले। यस सर, मैं सुबह सुबह अच्छे मूड में आपको जो 350 पॉइंट ये ऊपर दिख रहा है उसमें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्केट का मूवमेंट अपनी जगह, डेटा अपनी जगह, हमारा आंकड़ा बढ़कर आया है इन्फ्लेशन का, यूके यूरोप के आंकड़े बढ़कर आए हैं, अमेरिका के आंकड़े घटे नहीं है खास, इसका मतलब इन्फ्लेशन पे जो काबू पाने की कोशिश सारी सरकारों की और सेंट्रल बैंक की हो रही है, अभी तक उसके कोई ठोस नतीजे आपके सामने आ नहीं रहे, और जब तक ये नतीजे नहीं आते तो सेंट्रल बैंक्स के सर पे वो तलवार हमेशा लटकी रहेगी कि आपको ब्याज दरें बढ़ानी है। और अब आप देखिए आम राय बन गई ना अमेरिका में कि इस बार 0.5% बढ़ानी है, जो आधा परसेंट के आसपास की जो बातें चल रही थी अब 0.5% बना दी, लगभग सब मान रहे हैं, अब लगभग सब मान रहे हैं, और अब आगे भी कम से कम 1.25-1.5% की गुंजाइश बन गई और बढ़ाने की, जो 1.25% से ऊपर हम नहीं गिन रहे थे, तो कम से कम ये कह सकते हैं 25 बेसिस पॉइंट आपकी इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकती है जितना आपने सोच रहे थे उससे ज्यादा। अब इसमें एक चीज और हो सकती है कि आज अगर आप अमेरिका में इन्फ्लेशन का आंकड़ा 8.2% आया, थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद से, तो क्या यूके, अब मेरा फोकस है ना दीप अमेरिका से शिफ्ट होकर दूसरे देशों में जा रहा है, बिल्कुल मैं है ना धीरे धीरे अपनी लाइन दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की रिस्क तो समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है, ठीक है यस, और धीरे धीरे आपको जब बेस इफेक्ट मिलेगा तो इन्फ्लेशन बिना कुछ किए भी थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगेगा। लेकिन अब जो समस्या है, पहली समस्या यूके की है, अगर यूके अपना बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम बैंक ऑफ इंग्लैंड रोक देता है, आज जो खत्म, ठीक है, तो ये समस्या पैदा कर सकता है। अब अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े देखने के बाद और 0.5% की ब्याज दरें बढ़ाने के बाद यूके के पास ताकत है क्या रोकने की? यस एग्जैक्टली, और मुझे लगता है वो अब नया की ट्रिगर होगा। अच्छा, अगर यूके बोलता नहीं भाई तुम तुम्हारी जानो हम तो रोकेंगे, तो यूके का मार्केट क्या, वो पूरे यूरोप में और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉब्लम कर सकता है। और अगर इसको देखकर यूके अपना मन बदल ले, नहीं ठीक है भाई हफ्ते दो हफ्ते और जारी रखते हैं आगे देखेंगे, तो मार्केट रिकवर हो जाएंगे, और आई थिंक वही करना पड़ेगा यूके को, उसके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं दी, नहीं है, करना पड़ेगा, नहीं क्या करोगे आप, मतलब अल्टीमेटली जो देखिए हर सरकार काम तो अपने सिटीजन्स के लिए करती है कि उनको किस तरह से मदद मिले, मुश्किल समय में कैसे मिले, एक तरफ आपको सरकार की और देश की बैलेंस शीट संभालनी है, दूसरी ओर आपको नागरिकों की मदद करनी है। अब नागरिक सरकार की बैलेंस शीट संभालने के चक्कर में जहाँ पर हम बॉन्ड बाइंग रोक रहे हैं, लिक्विडिटी और नहीं डालेंगे, इस चक्कर में पता चला आपने पेंशन फंड उड़ा दिए तो एग्जैक्टली तो वहाँ पे तो बगावत हो जाएगी बहुत बड़ी बिल्कुल। और सारे बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं ब्रिटेन में, तो पेंशन वाला मामला तो बड़ा सेंसिटिव है, है ना। सो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हो सकता है अगर थोड़ा डिसीजन वो बदल दे सोच समझ कर, तो हो सकता है। एक ये कल छोटी मोटी खबरें जापान से भी आ रही थी, उनके बॉन्ड बाजार में, उनके बॉन्ड बाजार को रोका गया है, ये सारी चीजें कब कहां से कौन सा मुक्का पड़ेगा आपके मुंह पे हाँ मतलब लेफ्ट पंच आएगा, राइट पंच आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड नाक पे आएगा, समझ नहीं रहा आजकल। सो आई थिंक बढ़िया है, चलिए मार्केट रिकवर हुए हैं, एंजॉय कीजिए आज, तो हो सकता है एक दो दिन और भी चलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, जो इतने दिनों में हमने सीखा है, और आमतौर पर है ना हम तेजी और मंदी में भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स की वजह से मंदी होगी तो अपने लेना ही लेना है, अपना ये फॉर्मूला हमेशा से चल रहा है, और बहुत ज़्यादा उछाल आ जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी तेजी आ जाए तो वहाँ पर देना है वापस नीचे खरीदने के लिए, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है। अब डिसाइड आपको ये यही करना है कि 17300 पे बेचना है कि 17400 पे बेचना है कि 17500 पे, वही डिसाइड करना है, बिल्कुल। लेकिन ये डिसाइडेड है एक दो दिनों में जो बढ़िया गैप मिलेगा वहां बेचेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि व्यू बदला है। व्यू अक्टूबर के महीने में हम लगातार पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहे हैं, जितनी बार मार्केट 5-6 दिन खराब हुआ तब भी अपना व्यू कुछ बदला नहीं, लेने का मार्केट है, धीमे धीमे लेना है, दिवाली तक व्यू ठीक है, वो व्यू आज भी है, इसलिए नहीं कि आज 300 ऊपर है, कल भी यही था कि व्यू धीमे धीमे ऊपर का, ये दिवाली तक का व्यू है। लेकिन आप डे टू डे ट्रेड के लिहाज से देखेंगे
तो व्यू बहुत क्लियर है जो मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ, बड़े उछाल में देना है, तेज गिरावट 550-600 पॉइंट देखकर जिस दिन आपको एसडीएक्स निफ्टी 200 नीचे दिखे, जिस दिन पसीने छूट जाते हैं उस दिन लेना है, उस दिन लेना, हाँ उसमें कोई बदलाव नहीं। सो मेक नो मिस्टेक, ये स्ट्रेटेजी अपनी साथ में रखनी है, इसको भूलना नहीं। खराब मार्केट में एकदम दुम दबा के भाग नहीं जाना और अच्छे मार्केट में बहुत चौड़े नहीं हो जाना, चौड़े नहीं हो जाना, ये ध्यान पोजीशन वाइज। हाँ वैसे वो ट्रेंड हमारा बरकरार है इस पूरे हफ्ते का, कौन सा? डेज लो पर बंद होगा तो ऊपर खुलेगा, डेज हाई पर बंद होगा तो नीचे खुलेगा। आज भी, आज तो इनफैक्ट शानदार गैप अप होने वाला है, तो हमारे लिए अब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? 17,000 तो हम 2-3 दिनों से डिफेंड कर रहे हैं जी, अब थोड़ी रेंज ऊपर बढ़ सकती है या फिर वही उसी रेंज में रहेंगे? देखिए दीपा, इस बार जो हमने पूरी रिकवरी दी है 16,750 का लो बनाकर, हमारा हाई था 17,428 और हमारा क्लोजिंग हाई था 17,331। उस लिहाज से आखिरी बाधा जो है वो 17,325 से 17,425 है, ये 100 पॉइंट की जिसके आसपास आप खुलने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बड़ी तेजी अब 17,500 के ऊपर होगी, नहीं तो आपको याद होगा मैं लगातार ये कह रहा हूँ 16,800-17,000 नीचे सपोर्ट रेंज है, ऊपर में 17,300-17,500 रुकावट की जगह, तो हम बड़ी तेजी 17,500 के ऊपर करेंगे। ओके, इस बीच में हम ट्रेडिंग रेंज में 17,000 के नीचे लेना है, 17,300-17,500 के ऊपर जहां मौका लगे वो देना है, ये इंडेक्स की बात, ठीक है। स्टॉक्स में एक्शन रहेगा और कैश मार्केट के स्टॉक्स में फोकस करना है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में दिक्कत नहीं है, रिजल्ट्स के लिहाज से दिक्कत नहीं है, वो स्ट्रेटजी से चलेंगे बिल्कुल। तो चलिए रिजल्ट्स पर भी आपका व्यू लूंगा सर, कुछ स्टॉक्स भी बात करेंगे, हमारी टीम भी जुड़ने वाली है थोड़ी देर में। आइए उससे पहले आज का स्ट्रेटजी सेटअप समझ लेते हैं, कैसे कह रहे हैं आज के संकेत? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, FIs के संकेत अभी भी थोड़े नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत थोड़े पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल, सेंटीमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड पॉजिटिव। कल आपने देखा होगा दीप, 5 संकेत न्यूट्रल थे, एकमात्र पॉजिटिव था, और आज देखिए काफी कुछ बदलाव हुआ है, आज पॉजिटिव आपके लिए 3 होते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। 17,025 आज के लिए पहला सपोर्ट जोन होगा गैप से खुलने के बाद, इसके नीचे 16,950-17,025 जिसकी जगह है नहीं, जिसका जिक्र हम रोज कर रहे हैं। और आप देखिए, आपने एक चीज नोटिस की दीप, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या सर? 3 दिनों से निफ्टी का लो क्या है? 3 दिन से हम लगातार कह रहे हैं खरीदने की बेस्ट जगह 16,950-17,025 है। आप देखिए हायर साइड पर 17,225-275 इसके आसपास ऊपर खुलने की तैयारी है, इसके बाद 17,325-17,425 की रेंज तक जाएंगे। आखिरी जो कंजेशन जोन होगा 17,425-17,500 के आसपास का होगा, लेट्स सी क्या होता है आगे। फिलहाल ये है आपके लिए बैंक निफ्टी, 38,725-38,800 आपके लिए सपोर्ट जोन है, इसके नीचे जाने की संभावना अब तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी 38,500-38,625 को स्ट्रॉन्ग बाय जोन मानकर चलें। ऊपर की तरफ 39,100-39,300 आई थिंक इस रेंज में कहीं खुलेंगे, ये बहुत बड़ा लेवल दे रहा हूँ दीप, 38,625 पे बंद हुए, 39,100-39,300 का मतलब ये है 500-700 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पर ऊपर खुलते हुए देंगे, लगभग 700 पॉइंट यानी कि 2% हो जाता है, आराम से खुल सकते हैं। और उसके इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जोश आ गया तो आप खुलेंगे 39,500-39,600 उतना तक की जगह बनती है। सो जो इम्पोर्टेंस आपकी 17,425 की है वही इम्पोर्टेंस आपकी 39,600 की है, क्योंकि इस रनअप में 39,600 हाई बना था और क्लोजिंग 39,550 के आसपास की, तो वो वहां तक पहुंचेंगे, आज पहुंचे या कल पहुंचे पहुंचना पक्का है, 99% चांस आज ही पहुंच जाएंगे 39,500-600 तक, वहां से फिर रिव्यू करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 39,100-39,300 और 39,500-600 हायर जोन है, इसके ऊपर 39,700-39,900 की रेंज में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये आपके बड़े लेवल बड़े लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस 17,125-17,075-17,025-17,16,950 ये आपके लिए सपोर्ट लेवल है। 17,175-17,225-250-275 ये इन सबके तो ऊपर ही खुल रहे हैं, 17,325-375 और 17,425 की जगह है, 425 के ऊपर 500 तक का रास्ता खुलता है, ये सारे लेवल्स ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी, 39,000 के ऊपर खुलेंगे इसलिए मैंने 38,950 से लिया है, 38,950-38,800-38,725-38,625-550 और 450 ये सारे सपोर्ट लेवल हैं आपके लिए। ऊपर की तरफ 39,100-39,175 और 225-300 इसी रेंज में कहीं ना कहीं खुलेंगे, 39,100-39,300 की रेंज में फिर देखेंगे, ऊपर 500-550-600
तीन मीडियम लेवल है, 39,700, 800, 900 तक के बड़े लेवल बनते हैं, तो वहाँ तक का रास्ता खुलता है 39,600 के ऊपर, ये सारे लेवल्स। ठीक है, तो बड़े गैप पे लेवल्स एडजस्ट करना भी भारी काम है, यस सर, आसान नहीं है। बिल्कुल, तो चलिए 39,900 तक के बड़े लेवल्स आपको आ सकते हैं अपसाइड पर। FIs की पोजीशनिंग सर, कल की बिकवाली में PCR की वीकली एक्सपायरी भी थी, तो डेटा कैसा है उसका सर? देखिए FIs इंडेक्स तो 19% है, बहुत हल्की है, तो ये सबसे बड़ा कंफर्ट है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस दिन आपको ग्लोबल थोड़ा भी रिकवरी करते हुए दिखेगा, ये दौड़ के आएंगे शॉर्ट काटने के लिए। और आज आज खरीदारी लोकल की तरफ से कम होगी, FIs की ज्यादा होगी। उसकी एक वजह और है जी, कल वीकली एक्सपायरी निपट गई, तो जिनके ऑप्शंस की पोजीशन तो नहीं खत्म ही होगी ना, काफी कुछ बहुत कम है। मजा तो तब आता थी जब है ना ये कल होता, तो मैं आपको ये कहता कि जहाँ खुले वहां से भी खरीदो। अच्छा, शॉर्ट्स कम है आज, कल तो रहता तो शॉर्ट है, ऐसा नहीं कि 17,300 पे आप खुलते हैं तो कितना 40 और 30, 70 और 30, 100, 125 करोड़ शेयर फिर भी निफ्टी पे शॉर्ट रहेंगे, विच इज नॉट लेस। वीकली सीरीज के पहले दिन 125 करोड़ शेयर रिस्क पे आ जाना कम तो नहीं है, लेकिन 125 करोड़ एक एक स्ट्राइक पे मिलते हैं आपको अदरवाइज, है ना। सो हैं शॉर्ट्स रहेंगे, सपोर्ट मिलेगा, बहुत मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि गैप से खुलने के बाद 17,175, 17,225 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो जाएगा आज। 125, 275 फिर आसानी से टूटेगा नहीं। सो बट अगर कल होता तो आग ही लग जाती तब तो मैं, और मैं आज सुबह 7 बजे भी इसलिए नहीं बोला, मैंने कहा बोलेंगे फिर भाग जाएगा इस देख, तो आराम से बाद में देखते हैं बाद, लेकिन ये तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है सर। PCR अभी भी कंफर्टेबल है, 1.06। बैंक निफ्टी का PCR देखो 0.74, इतना हल्का है, अच्छा पोजीशन ही नहीं है बैंक निफ्टी में डेटा में। 39,000 के पुट पे कॉल्स पे 13,00,000 शेयर खाली, कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, बहुत कम पोजीशन है, सो हल्का है। और विक्स कल बदला ही नहीं, ठीक है ठीक है, क्या करना है मौजूदा पोजीशंस को? 16,950 एक ही इंट्राडे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस दूर का हो जाएगा, लेकिन आज वही थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, नहीं कर सकते लेकिन जरूरत नहीं, क्यों करना है, रखे रखो। हाँ, तब जब वर्स्ट केस सिनेरियो में आपने 16,950 नहीं तोड़ा ना बंद हुए, तो आपको क्यों करना है बेस्ट केस में, क्यों क्यों करना है? ऊपर नीचे तो होगा, इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपको अलग अपने स्टॉप लॉसेस वगैरह वो करते चलने, बट अदरवाइज नहीं, है ना, ये हो गया। और निफ्टी में 38,400 है, 38,600 भी कर सकते हैं, 38,400 38,600 जो ठीक लगे, ठीक है। बैंक निफ्टी। अब आइए शॉर्ट पोजीशन पे, 17,331 की क्लोजिंग दी थी आपने जी। अगर किसी को इंट्राडे में बड़ा स्टॉप लॉस रखना है और, तो उसका 17,450 होगा, 425 होती, 50-25 पॉइंट की मैंने ऊपर की ले ली, इधर 331 होता है स्टॉप लॉस, मैंने 350 ले लिया, तो 350-450 आपकी मर्जी पर है, गैप से खुलने के बाद ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है सर। नई पोजीशन नहीं, बैंक निफ्टी 39,350 है, अगर आपको बड़ा रखना है स्टॉप लॉस तो आप चाहें तो आप रख सकते हैं, वो 39,600 का होगा, ओके, बाकी ये भी काफ़ी है, 39,600 या ये जो आपको ठीक लगे वो वाला स्टॉप लॉस, ठीक है। नई पोजीशन सर, खरीदे निफ्टी 16,950 अभी मैंने स्टॉप लॉस दिया, जो आपका बढ़कर ऊपर आ जाएगा गैप से खुलने के बाद वो हम रिवाइज कर ही देंगे। टारगेट जो बनेगा 17,175, 225, 250, 275, ये तो सारे लिखे हैं, अब तो इनके पार ही खुल रहा है, अब तो सब इफेक्टिवली 275, 325, 375, तो एक काम करिए 175 और 225 को उड़ा दीजिए, उड़ा देते हैं, और आगे 375 उसके बाद 425 एक और जोड़ दिया जाए तो 425 तक के टारगेट्स बन जाते हैं, 375-425 तक के टारगेट निफ्टी में आपके लिए। ये आपने हो गया इमीडिएटली, गजब यार हमारी टीम, मतलब ऑन टॉप रहते हैं सर हम एकदम, बोलने की देर, ऑलवेज रेडी, कमाल ही भाई, इतने फास्ट तो हम भी नहीं है। ओके, बेचने की राय 17,325, 17,425 की रेंज में, अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं और बेचना ही चाहते हैं तो आपके लिए, और वो भी तब जबकि आपको डाउ फ्यूचर ढीले होते दिखे, तो हड़बड़ी में और जबरदस्ती बेचना नहीं है मस्ती करने के लिए, और फिर भी करना ही है तो 425 के आसपास करें, न कि 325 के आसपास जहां आप खुल रहे हैं, जो मतलब कई बार होता है ना आपको करना है, तो आज शुरुआती 15-20 मिनट में आधा घंटे में तो बेचना ही नहीं है, देखिए क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है हड़बड़ी से बेचना नहीं है, बेचना है तो 500 का स्टॉप लॉस लगाना है, 275, 250, 225 तीन छोटे टारगेट, 175, 125 और 17,075 के टारगेट के लिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 38,600 अभी स्टॉप लॉस होगा, बाद में वो स्टॉप लॉस आपका 38,950 हो जाएगा खुलने के बाद, टारगेट जो बनेंगे
39,175 से 300 तक के टारगेट तो छोटे हैं, वहाँ पर आप खुलेंगे, फिर 39,500, 550 और 600 तीन मीडियम टारगेट यहाँ तक पहुँचेंगे, 39,700, 800, 900 तक के टारगेट भी बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स करना है अगर मूड माहौल देखकर, तो 500 से 600 की रेंज में, वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 700 का होगा, और अगर उसके आसपास भी खुल जाए तो फिर देख लें, कोई जरूरी नहीं शॉर्ट करने के लिए, हड़बड़ी ना करें। मतलब जल्दबाजी में कि ऐसा, मतलब क्या होता है कभी कभी तो ऐसा खराब माहौल में जब एकदम गैप से खुलते हैं, करेक्ट सर, और उस वक्त आपको लगा अरे अभी नहीं बेचा तो गए, तुरंत नहीं चाहे तो आज वो वाली फीलिंग से मत बेचे, अरे नहीं बेचा तो वापस मिलेगा नहीं, है ना, हड़बड़ी वाले में नहीं बेचना कि भाई बेच देना कि मिल ही जाएगा, वो कॉन्फिडेंस से ना बेचे, उल्टा ये कॉन्फिडेंस रखें कि अगर नीचे आ गया तो लेने का मौका मिल जाएगा, वापस बढ़ जाएगा तो वो वाली चीज से चलेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, प्रॉफिट बुकिंग किसी को करनी है ऊपर के लेवल पे, एक अलग प्रॉफिट बुकिंग करने में और बेचने में दोनों में फर्क है जी। हाँ, तो जब हम बोल रहे हैं कि गैप से खुले बड़ी तेजी बने ग्लोबल मार्केट्स की वजह से प्रॉफिट बुकिंग करनी है, या गैप से नीचे खुले तो लेना है, तो आज प्रॉफिट बुकिंग करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना अलग चीज है, आपके पास लॉन्ग पोजिशन है, पैसा बना रहे हो, शॉर्ट करना फ्रेश ट्रेड है, आप फ्रेश ट्रेड लेने के लिए ज्यादा दिमाग लगा के करना है। प्रॉफिट बुकिंग में तो क्या होगा, 50 पॉइंट कम मिले या ज्यादा मिले, करेक्ट, इतने ही गम इतना ही होगा ना, या मेरे थोड़े और बन जाते धीरे से, लेकिन जैसे आप फ्रेश ट्रेड गलत जगह लेते हो आपका तुरंत लॉस शुरू होता है, करेक्ट। तो इसलिए थोड़ा बेचने के समय आज ध्यान रख के बेचिएगा, टारगेट आपके सामने 39,300, 225, 175, तीन छोटे टारगेट, 138,950, 138,800 तक के टारगेट, ठीक है। चलिए, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। बैन लिस्ट में सर कोई बदलाव नहीं है, डेल्टा और इंडियाबल्स बने हुए, वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप कह रहे हैं, डेटा एक तो हाँ, एक तो एफआईएस के डेटा, 1635 करोड़ की बिकवाली कैश में थोड़ी बड़ी है, 550 करोड़ के इंडेक्स भी बेचे और 1000 करोड़ के स्टॉक्स भी बेचे, तो कल भी दबा के बेचा है इन्होंने, 3000 करोड़ के आसपास 3100 करोड़ की बिकवाली की है, आज काटने आएंगे, अच्छा है। 750 करोड़ की लोकल फंड से खरीदारी की समझदारी दिखाई है। डेटा का जहां तक सवाल है, 17,300 के ऊपर खुलकर टिकते तो 1.25 करोड़ से ज्यादा, 1.5 करोड़ शेयर निफ्टी में शॉर्ट है, और ऐसे में दीप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 17,300 पर खुलकर टिकने की, वो ये है कि आपका जो सपोर्ट रेंज है दीप, वो सपोर्ट रेंज ऊपर शिफ्ट हो जाता है, और वो होता है 17,175 से 17,225। अब दिन के लिए 17,300 पार करने के बाद 17,175, 17,225 स्ट्रॉन्ग बाय जोन हो जाएगा, और वहां पर आए तो वहीं खरीद लेना है। समझ गया, ठीक है, ठीक है। सेम बैंक निफ्टी अगर एक बार 39,600 पार कर दिया, फिर 39,139,300 की रेंज में जब भी आए वहां खरीद लेना है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये डेटा में साफ नजर आ रहा है। चलिए, इंटरेस्टिंग दे होना चाहिए आज, गैप अप के बाद क्या होगा इस पर हमारी नजर है। अच्छा, स्टॉक्स की बात करें सर, बिल्कुल करें, आईटी के नतीजों का ट्रेंड चल रहा है, इंफोसिस नतीजे पर आपकी क्या राय है, बायबैक तो हमारे अनुमान मुताबिक ही आया है, नतीजे अच्छे हैं, तोड़फोड़ नहीं है, खराब भी नहीं है, मतलब मैं अच्छी की कैटेगरी में रखूंगा, और अच्छी की कैटेगरी में रखने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह, 20% के मार्जिन की उम्मीद थी, 21.5% आए, तो मार्जिन के फ्रंट पर बड़ा बीट है इंफोसिस में, बाकी रेवेन्यू तो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक है, डॉलर रेवेन्यू, मुनाफा थोड़ा सा बेहतर आया है, कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा बेहतर, तो नंबर्स ठीक है। मेरे ख्याल से नैसडेक के मूड को देखकर, मार्केट के मूड को देखकर, एडीआर को देखकर 3 से 4% के आसपास की, 5% तक की तेजी बन सकती है, 3 से 5% की, और आज आईटी इंडेक्स भी निफ्टी को सपोर्ट करने का काम करेगा, क्योंकि इस बार आईटी स्टॉक्स में एक चीज अच्छी है, विप्रो को छोड़ दे तो किसी में भी नंबर्स खराब नहीं है ना, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लो है, उस लो एक्सपेक्टेशन पे खराबी कहीं नहीं आई है, सो आई थिंक थोड़ा ठीक है, इन्फोसिस के नंबर्स ठीक है, थोड़ा स्टॉक और बढ़ना चाहिए, बायबैक नॉन इवेंट है, 1850 प्राइस ठीक है, कुछ भी रख लो ना, 1450 का स्टॉक है, आप 1850 को या 2050 को फर्क क्या पड़ता है, यस, 9000 करोड़ का माल लेना है आपको, 3 दिन में मिल जाएगा लेना, तो ले लो आप, 1600 तक मिल जाएगा, तो उसका कुछ, वो बहुत रिलीवेंस नहीं है, हाँ खाली है, आप ये कह सकते हो इसका फायदा एक ही है दी, इतना 8000 करोड़ का है ना बायबैक, 9,300 करोड़ का, तो एक ही चीज है कि अगले 6 महीने तक इन्फोसिस के स्टॉक को यहाँ पर आपको सपोर्ट है। अब इसके नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल, नीचे जाने के चांस कम, क्योंकि कम 9000 करोड़ की खरीदारी है तैयार, बीच बीच में मौका मिलता रहेगा, बीच खराब दिन कोई होगा तो इन्फोसिस खरीद अपने शेयर खरीदने को तैयार बैठा है, तो वो सपोर्ट आ गया आपके लिए, इसलिए डाउनसाइड रिस्क कम हो गई, और टीसीएस और इन्फोसिस में इसलिए अब इन्फोसिस यहाँ से बेहतर रहेगा, जब तक कि टीसीएस का बाय बैठना है तब तक ये इसीलिए बेहतर रहेगा,
एक परफॉर्मेंस टीसीएस के मुकाबले में थोड़ी बेहतर है जी, दूसरा बायबैक का सपोर्ट है, इंफोसिस अब आईटी स्पेस को आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा इसके दम पर, ये बड़ा सिग्नल है। अच्छे भाव पर भी है, और ऐसे में 4-5% अगर आज बढ़ता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मेरे हिसाब से बढ़ना भी चाहिए उतना तो डिजर्व इतना बनता है। तो इन्फोसिस 5 पा गया तो माइंट्री कितना करेगा सर, उसके तो और भी अच्छे नंबर आएंगे। माइंट्री में दो चीजें दी, अगर माइंट्री का स्टॉक अब तक क्या प्रदर्शन किया उसको हटा के देखो तो ये स्टॉक तो 8-10% बढ़ने का कैंडिडेट है आज। अच्छा, माइंट्री के नतीजे तो मतलब अच्छे नहीं है, तोड़फोड़ है। मतलब कोई भी पैरामीटर पे देखे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 7.5%, मतलब क्या नंबर आ रहे हैं, और लगातार तिमाही दर तिमाही बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू उम्मीद से ज्यादा, मार्जिन घटने की उम्मीद थी कि 18.1% उसके बजाय 19.1%, हर एक पैरामीटर पर बहुत तगड़े नंबर है, डील विंस जबरदस्त है। मतलब ये स्टॉक ऐसे जो बड़े फैन पैदा करेगा फंड मैनेजर्स में, इसमें कोई डाउट नहीं, इसको चाहने वाले बढ़ जाएंगे, अब बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। खाली एक ही चीज है इसके लिए प्राइस के लिहाज से कि ये घटा ही नहीं है ज्यादा, ये आईटी के फॉल में कम घटा है सबसे, और उसकी वजह भी साफ है कि 5-6 quarter बहुत बढ़िया रहे, ये वाला तो शानदार है ही, मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। आपको मार्केट का सहारा है, नैस्डिक का सहारा है, इंफोसिस का सहारा है, और उसके बाद अगर आज आप कमाल न करें तो फिर क्या। तो अगर माइंट्री तो आज का स्टार परफॉर्मर है, माइंट्री। हाँ, अब मैं भाव का इसलिए अंदाजा नहीं देना चाहता कि बहुत गैप से खुलेगा, अब गैप से खुलने के बाद शायद इंफोसिस और माइंट्री दोनों में मौका ना मिले, लेकिन बढ़ना तो चाहिए, मतलब 5-7% में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ज्यादा मार्केट के मूड माहौल के साथ और इन नंबर्स को देखकर, मैनेजमेंट को सुनकर और लोगों का मूड बन जाए तो पता नहीं, ठीक है, मतलब आप इस खराबी ढूंढने जाओगे तो मिलेगी नहीं, सिंपल सी बात ये, ठीक है। अच्छा, कैश मार्केट में भी कुछ जो आपके रिटर्न, आनंद आठी वेल्थ बहुत बढ़िया नंबर्स आए दीप, और क्या गजब की परफॉर्मेंस है, 40-40% आपके रेवेन्यू में ग्रोथ, 40% कामकाजी मुनाफे में बढ़त, मार्जिन 44.5% पहुंचते हुए कमाल है, और मुनाफा 40%, तो हर एक पैरामीटर पर आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स बहुत ही बढ़िया है। और इसलिए मैं बात भी कर रहा था जब ये दिवाली स्पेशल शो रिकॉर्ड कर रहा था, बसंत माहेश्वरी साहब ने बहुत साफ कहा है, ब्रोकिंग कंपनियों पर उनका बड़ा भरोसा है, बिल्कुल, ऑनलाइन ब्रोकर स्पेशली, हालांकि वहाँ पर लिस्टेड कम है लोग, इनडायरेक्टली है, लेकिन आनंद राठी वेल्थ के नंबर्स बहुत ही तगड़े, हालांकि एंजल वन के उतने मजबूत नहीं है जितने, तो बेसिकली ये है कि जो क्या कहना चाहिए इसको, एक ट्रेडिंग वाला बिजनेस मॉडल है जो ठीक कर रहा है, तोड़फोड़ नहीं एंजल वन का, दूसरा वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है जहां पर आप प्रीमियम सर्विसेज देते हैं, लग्जरी ब्रोकिंग हाउस जिसको आप वैसे एक तरह से है ना, वहां मजा है, वहां जोरदार है, बहुत बढ़िया नंबर से स्टॉक कमाल करेंगे। मैनेजमेंट भी आज जुड़ रहे हैं सर हमारे साथ, आज 10:30 आनंद राठी सर होंगे हमारे, 10 बजे सॉरी 10 बजे राठी साहब हैं, फिरोज अजीत साहब हैं, दोनों से हम मुलाकात करेंगे इन दमदार नंबर पे। इसके अलावा भी आज मैनेजमेंट और काफी कुछ एक्शन है 11 बजे तो खैर पूरी पाठशाला ही है, पाठ चल रहा है 11 बजे, मैं और दीप आपके साथ रियल की पाठशाला लेकर आएंगे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दीप, और काफ़ी सवाल ट्विटर पर हमें आए भी है हमारे दर्शकों से जो इस रिजल्ट सीजन के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपके भी कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं कि रिजल्ट को किस तरह से देखें, क्या समझना, क्या जानना चाहते हैं, तो रिजल्ट सीजन की ये आपको समझने की, कंपनियों के नतीजों की समझने की एक पाठशाला आपके लिए आज 11 बजे मैं और दीप लाइव लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, और रिजल्ट के सारे आपके जितने भी सवाल हैं इनका जवाब भी आपको मिलेगा। आई फिर और कुछ नतीजे, ढेरों खबरें और साथ ही ब्रोकरेजेस का एक्शन समझते हैं हमारी टीम के साथ, अरमान, नुपुर, आशीष तीनों हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और कौन सी खबरें आपके पास? जी, खबरों में नतीजों में बजाज ऑटो के नतीजे आते हुए दिखेंगे, F&O में आपको श्री सीमेंट, फेडरल बैंक, ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आएंगे, कैश में जस्ट डायल, टाटा एलेक्सी से स्टॉक से जिनके नतीजे आएंगे, संवर्धन मदरसन के अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल के लगभग 226 करोड़ जो है बोनस शेयर्स हैं वो आज से लिस्ट होते हुए दिखेंगे, ग्लोबल में अमेरिका में आपको रिटेल सेल्स सितंबर का डेटा आएगा, और कुछ नतीजों में अगर आप देखेंगे तो CN के अगर आप नतीजे की बात करें तो वहां पर नतीजे थोड़े कमजोर आते हुए दिखे हैं, अनुमान के मुताबिक अगर आप देखेंगे लगभग नतीजे कमजोर ही आए हैं, आय परसेंट लगभग बड़ी है पर EBIT जो है, कामकाजी मुनाफा जो है वहाँ पर आपको 14.3% लगभग 14% के आसपास की गिरावट है, वहीं मुनाफे में भी लगभग 32% की आपको गिरावट देखी गई है। एंजल वन के अगर नतीजे अगर देखेंगे अंत में तो अगर वहाँ पे आय लगभग 36% बढ़ी है,
कामकाजी मुनाफे की अगर आप बात करेंगे तो मार्जिन वहां पर लगभग 36.6% से बढ़कर लगभग 40% पर आए हैं और मुनाफे में 59% का उछाल दिखा गया है। उसी के साथ साथ कंपनी ने जो सेकंड इंटरम डिविडेंड का भी ऐलान किया है जिसमें 9 रुपये प्रति शेयर का है और उसकी रिकॉर्ड डेट 21 अक्टूबर रखी गई है। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रिगर्स और साथ ही कुछ और नतीजे जहां पर करना है फोकस। नुपुर मॉर्निंग बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास। गुड मॉर्निंग, सबसे पहले HDFC लाइफ जहां एक्साइड लाइफ के साथ जो विलय होने वाला है कंपनी का, उसे IRDAI की अब मंजूरी मिल चुकी है। 14 अक्टूबर के बाद से ये स्कीम लागू हो जाएगी। पिरामल एंटरप्राइजेस जो कंपनी ने अपनी एंटिटी को डीमर्ज किया है पिरामल फार्मा, उसकी लिस्टिंग को अब सेबी से अप्रूवल मिल चुकी है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये भी अब NSE और BSE पर लिस्ट हो जाएगी। कोल इंडिया कंपनी ने राजस्थान में 1190 मेगावाट का नया सोलर प्रोजेक्ट सेटअप करने का फैसला लिया, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। NCL इंडिया और BHEL भी आज फोकस में, क्योंकि क्योंकि कंपनी ने लिग्नाइट गैसिफिकेशन की टेक्नोलॉजी के लिए BHEL के साथ MOU साइन किया है, तो यहाँ नज़र रहेगी। कर्नाटका बैंक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है यहाँ पे, क्योंकि जो कंपनी के MD और CEO उन्होंने कहा है कि पर्सनल रीजन से वो दोबारा MD और साथ ही साथ CEO के पद पर नियुक्त होने के लिए उन्होंने अब मना कर दिया है, तो स्टॉक पे नज़र रखें। और जो पावर मैक प्रोजेक्ट है वहाँ पे ये खबर है कि कंपनी ने राइट्स के साथ एक JV साइन किए मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर, करीबन 500 करोड़ का ये नया ऑर्डर है। NMDC ये खबर ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी थी, जो डी मर्जर को लेके अप्रूवल सारे मिल चुके हैं कंपनी को। अब ये न्यूज़ आई है कि जो रिकॉर्ड डेट है डी मर्जर को लेके वो 28 अक्टूबर को है। और लास्ट में रेलिगा एंटरप्राइजेस कंपनी की जो सब्सिडरी है उसने NCLT पर डिफॉल्ट किया है, हालांकि कंपनी ने पहले ही 8 अक्टूबर को ये जानकारी दे दी थी, और जो डिफॉल्ट अमाउंट है वो करीबन 56 करोड़ के आसपास का है। ओके, तो यह है आपके लिए ढेरों और खबरें जहां पर रखनी है आपको नजर, एक्शन पूरा बाजार में दिख सकता है। बट इन सारी खबरों पर स्पेशली नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये भी एक बार जान लेते हैं FIR में। मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो जो दो IT स्टॉक्स हैं आज फोकस में उन पर कौन सी रिपोर्ट्स हैं? दीपांशु, इन्वेस्टर्स के साथ शुरुआत करता हूं। 11 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। 11 में से 3 ब्रोकरेज हाउस ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया, हालांकि किसी ने भी रेटिंग को अपग्रेड नहीं किया। अच्छे नतीजों के बाद रेटिंग में कोई बदलाव नहीं है। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 10 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाया, 1700 से बढ़ाकर 1710 कर दिया है, 1420 की क्लोजिंग है। वहीं HSBC देखे तो खरीदारी की राय को बरकरार रखे, लेकिन इन्होंने लक्ष्य को काटा है, 1665 से घटाकर 1640 कर दिया है। सिटी देखे खरीदारी की राय देने 1625 से बढ़ाकर 1685। ब्रोकरेज हाउस में इन्फोसिस पर सबसे ज्यादा बुलिश है। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 1870 रुपये का लक्ष्य दे, और सबसे कम लक्ष्य दे रहे हैं UBS, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1490 का लक्ष्य दिया, हालांकि ये भी अगर आप देखें तो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। कमेंट्री में देख रहा हूँ सबको नतीजे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, मान रहे कि तिमाही के जो मार्जिन आए वो काफ़ी हद तक अनुमान से बेहतर है, डील पाइपलाइन काफ़ी बढ़िया लग रही है, ग्रोथ अच्छी है, तो गाइडेंस के हिसाब से भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक है। तो इन्फोसिस सभी पैरामीटर्स को चेक करता है, अच्छी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इन्फोसिस पर आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो माइंडट्री यहाँ पर ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं है कंपेरेटिवली इन्फोसिस, जहाँ पर 11 रिपोर्ट आई थी माइंडट्री पर सिर्फ 4 रिपोर्ट हैं, इन 4 में से 3 ऐसे हैं जिन्होंने टारगेट प्राइस को इंक्रीज़ किया है। JP Morgan अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य 2900 से बढ़ाकर 3000 कर दिया है, करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, 3324 की क्लोजिंग है। नोमिरा ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 3000 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3170 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली एक्चुअली बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, 3150 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3400 कर दिया है, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया थे, रोबस्ट डील विंस के चलते आप देख रहे हैं कि नतीजों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, जिसके चलते लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर EPS के अनुमान में भी जो है बढ़ोतरी की है, तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। दीपांशु, एक और IT स्टॉक है साइंट, इसके भी नतीजे आए थे, नतीजे कमज़ोर हैं, तो मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा, 773 की क्लोजिंग है, 700 रुपये का लक्ष्य दे रहा है। ओके, तो IT पर तो आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स हैं और स्पेशली इन्फोसिस पर अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, बट और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष आपके पास? दीपांशु, सीमेंट कंपनीज यहाँ पर नजर रखिएगा, सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीमेंट के जो प्राइजेज हैं म्यूटेड रहेंगे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उन्होंने टारगेट प्राइस को इंक्रीज कर दिया। सिटी ने जो ग्रासिम पर खरीदारी किराए दी है लक्ष्य 1700 से बढ़ाकर 1950 कर दिया है। अल्ट्राटेक पर भी देखिए यहाँ पर खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 7100 से बढ़ाकर 7200 कर दिया है, 6182 की क्लोजिंग है। JK सीमेंट यहाँ पर एक्चुअली डाउनग्रेड किया, इन्होंने पहले न्यूट्रल किराए थी, अब बिकवाली किराए दे रहे हैं, अब जो लक्ष्य 2650 से घटाकर 2400 कर दिया है, 2508 की क्लोजिंग है, और अंत में नोवोको विस्तास यहाँ पर सिटी खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 345 से बढ़ाकर 475 कर दिया है, करीब 400 की क्लोजिंग है।
तो सबसे तगड़ी रिपोर्ट सिटी की तरफ से सीमेंट पर है सर, लेकिन लगभग सबके टारगेट बढ़ाए, सबके टारगेट बढ़े, सिर्फ जेके सीमेंट ऐसा जहाँ पे डाउनग्रेड भी किया है, टारगेट कट भी किया है और मार्केट प्राइस से ऊपर के टारगेट हैं सबके, करेक्ट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन आपको देखने को मिल रहा है आज रिपोर्ट्स के दम पर। आइए करते हैं स्वागत हमारे सभी मेहमानों का, वक्त है शुक्रवार को पिक ऑफ द डे रखा जाए, पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द डे। तैयार है हमारे साथ कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी और साथ ही साथ सचिन जी भी, आप सबका स्वागत है। हिमांशु जी आज शुरुआत आप कीजिए, बताएं सर क्या खरीदेंगे। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी हम तो खरीदने में विश्वास रखते हैं, कल भी दो खरीदने की कॉल दी थी और आज अनिल जी आईटी से उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है और एम्फेसिस में रहेगी मेरी खरीदारी की राय पिक ऑफ द डे। 2086 रुपए का क्लोज है, यहाँ पर 2200 रुपए तक के लक्ष्य के लिए एम्फेसिस में खरीदारी करके चलने की सलाह है 2080 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एम्फेसिस ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। 2200 का टारगेट, वंडरफुल, 2080 छोटा सा स्टॉप लॉस है, ये हिमांशु जी की राय। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर क्या है इरादा। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, कभी कभी मुझे लगता है अनिल जी ये जो हमारी ट्रेडिंग है, हाँ, अनिल जी इसको एक एडवेंचर स्पोर्ट अनिल जी घोषित कर देना चाहिए। हाँ। अनिल जी कल मैं बाजार देख रहा था, इतना रोमांच था अनिल जी कल डाउ जोन्स में, तो अनिल जी आपके जमाने का एक गाना याद आया अनिल जी मुझे। गाना याद आया, वो भी मेरे जमाने का। चलो अच्छी बात है, आपको मेरा जमाना तो पसंद, पता है और पसंद भी है। बताए, सुनाए, स्वर में सुनाइएगा ताकि हम दिल खोल कर वाह वाह कर पाए। आप ही के, ऐसा ना हो कि वाह वाह की बजाय आह आह निकल जाए। सुनाइए अनिल जी, देखिए आप ही के जमाने में मेरे ख्याल मुगले आजम आई होगी, एक दो साल आगे पीछे रही होगी, तो अनिल जी उसमें गाना था अनिल जी, जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। देखो सुमित जी तो अभी भी आंखें मल रहे हैं, देख लो ये हाल है। मेरे जमाने का मुगले आजम, मैं तो मुगलों के वक्त पैदा ही नहीं हुआ था। बिल्कुल, लेकिन वाकई में कल की रात तो जबरदस्त थी। जी बंसल जी भी कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी पहले तो सुप्रभात आपको, दीपांशु को। अनिल जी कुणाल जी का पूरा गणित गलत है, मुगले आजम मेरी नॉलेज के हिसाब से अनिल जी पहली कलर मूवी थी, आधी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट बनी थी, आधी मूवी कलर थी, तो अनिल जी आपके जमाने की नहीं है, आपसे भी दो जमाने पहले की है, तो कुणाल जी को थोड़ा सा अनिल जी विश्राम दिया जाए, ब्रेक दिया जाए अनिल जी। बंसल जी कुणाल जी कभी गलत नहीं होते हैं, ऐसी बात नहीं है, शायद मेरे अनुभव को देखते हुए उन्हें ऐसा लगा होगा। मेरे पास इतना काम करने का अनुभव है कि मैं मुगलों के जमाने में पैदा होऊंगा। इस हिसाब से कुणाल जी कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, आपने तो जो चीज अच्छी जहां से मिले ले लो, तो कुणाल जी ने आज अपने लिए अच्छी बात ही बोली। जी सर बताएं आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी देखिए एक बड़ा जबरदस्त चार्ट मेरे नजर में आया है अनिल जी, ये स्टॉक है सीएसबी बैंक। सीएसबी बैंक पर अनिल जी खरीदारी की राय है, कैथलिक सीरियन बैंक पर खरीदारी करें। और अनिल जी इसकी मुख्य वजह है कि जो आईडीबीआई में अनिल जी चल रहा है और बाजार में अटकलें ये है कि सीएसबी बैंक और आईडीबीआई बैंक का अंतिम में विलय हो जाएगा, सीएसबी सबसे आगे है आईडीबीआई को एक्वायर करने के लिए। तो अनिल जी इस तरह की जो अटकलें हैं और जो चार्ट पर स्ट्रक्चर है उससे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बड़ी जबरदस्त तेजी बनेगी, काफी बीटन डाउन स्टॉक है, नीचे के लेवल्स पर बेस बन गया, एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है स्टॉक 300 को भी पार करेगा, मौजूदा स्तर पर बाय करके चले। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 238 रुपए पर, पहला टारगेट होगा 255 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट होगा 270 रुपए का। खरीदारी की राय है सीएसबी बैंक पर। ओके, सीएसबी बैंक है पहला स्टॉक जहां पर, पहला क्या ये आज की पिक ऑफ द डे का स्टॉक जहां खरीदारी की राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ है। बंसल जी बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मैं आज ऐसा एक मल्टीनेशनल स्टॉक लेके आया हूँ जो कि हिंदुस्तान का मिडिल क्लास ले सकता है, नहीं तो कुणाल जी जैन साहब जो स्टॉक रिकमेंड करते हैं वो हाई प्राइस स्टॉक होते हैं। स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया, 2014 के बाद स्टॉक चला नहीं है, 2014 में 270 के अराउंड स्टॉक ने टॉप आउट करा था और अब बड़े पैमाने पर देखें तो 9900 के अराउंड एक डबल बॉटम है।
मेरी यहाँ पे खरीदारी की राय है, पिक ऑफ द डे के नजरिए से 119 का स्टॉप लॉस है, 131 का टारगेट है, बट बेहतर होगा 115 का स्टॉप लॉस लगा के 150 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। और अनिल जी थोड़ी सी रिसर्च और करिए, 22% मार्केट शेयर है कैस्ट्रॉल के पास, लुब्रिकेंट्स में कैश है 1504 करोड़ का, दैट कम्स टू 15 रुपीज पर शेयर, 123 रुपए का दाम है, 15 रुपए यहाँ पर कैश पर शेयर है, ROCE 68%, ROE 50%, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड यील्ड लेटर लेस देन जो सेविंग का हमें इंटरेस्ट मिलता है 3% का, 2.5% 2.4 की डिविडेंड यील्ड है, 15 की पी पर है, मुझे लगता है री रेटिंग का कैंडिडेट है, कैस्ट्रॉल को बाय एंड होल्ड करना चाहिए। ओके, कैस्ट्रॉल है बाय और होल्ड, ये है आपके लिए राय। बंसल जी एक सवाल आया है मेरे दिमाग में आपके लिए और उन सभी महानुभावों के लिए जो भरपूर नोटा का मिसयूज करते हैं, ये बताएं जब गैप से नीचे खुलता मार्केट उस दिन तो आप नोटा दे देते हो कि आज खुलने के बाद देखेंगे, आज गैप से ऊपर खुला आज नोटा क्यों नहीं भाई साहब? देखिए अनिल जी, मैं तो ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जिसको गैप अप गैप डाउन से फर्क नहीं पड़ता, अच्छा उन्हीं रेटों के आसपास अनिल जी मिल जाएगा, तो नोटा इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मी। अनिल जी ऐसा स्टॉक है, आप भी जानते हैं कैस्ट्रॉल में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे वो इन्फोसिस दिया है तो आप दे दो अनिल जी वो गैप अप खुलेगा, माइंडट्री दे दो तो गैप अप क्या खुलेगा, वो खुलते ही टारगेट हिट करेगा। तो अनिल जी पूरा सोच समझ के अच्छा सा स्टॉक निकाल के लाए जिसको एक व्यूअर ले भी पाए। अच्छा, गैप डाउन के वक्त ऐसा कोई स्टॉक मिलता नहीं, मार्केट जब खुलता है वहां नोटा हो जाता है, यहाँ गैप अप के वक्त मिल जाता है। बंसल जी वेरी गुड, आइए सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग जी। अनिल जी मार्केट्स के अंदर एक अच्छा गैप अप देखने को मिलने वाला है तो पिक ऑफ द डे तेजी की तरफ का ही होगा। आज और नेक्स्ट वीक के लिए खरीदारी करें टाटा कंज्यूमर, 755-57 के आसपास कल का क्लोजिंग है। टाटा कंज्यूमर में एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, कोई भी डिप मिलता है गैप अप ओपनिंग के बाद तो खरीदारी करें। स्टॉक का नीचे में 740 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है तो वो स्टॉप लॉस बनेगा, और ऊपर के अंदर 780 रुपए से लेके 790 रुपए तक के लेवल टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करें 740 के स्टॉप लॉस से 780-790 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये आपके लिए राय टाटा कंज्यूमर खरीदने की। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डिपार्टमेंट। अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करनी है सिटी यूनियन बैंक में ही, इनफैक्ट वेनसडे के सत्र में फाइनल ट्रेड में हमने ये रिकमेंड किया था 186 एंड 190 के टारगेट्स के लिए, बट वीकली स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है कि मुझे लग रहा है ये पिक ऑफ द वीक नहीं है, पिक ऑफ द डे नहीं, इनफैक्ट पिक ऑफ द वीक होना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर इवॉल्व हो रहा है, 8 हफ्ते लगातार तेजी के बाद एक अच्छा 8 हफ्तों का कंसोलिडेशन नजर आया था, एंड उस कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट की उम्मीद होगी, तो एक क्लासिक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पे टारगेट्स थोड़े से रिवाइज करने चाहिए, तो 188 एंड 194 के टारगेट्स के लिए अभी भी खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने हैं सिटी यूनियन बैंक में, स्टॉप लॉस लगाना है 180 के। ओके, सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए सिद्धार्थ जी है तैयार सुप्रभात, सिद्धार्थ जी बताए सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी को और सारे पैनलिस्ट को। जो पिक ऑफ द डे रहेगा वो आईटी स्पेस से रहेगा, टेक्नोलॉजी से रहेगा, और वो रहेगा एचसीएल टेक पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट रहेगा 1020 का, मुझे लगता है कि 1020 एक हासिल हो सकता है। अगर आप पिक ऑफ द डे के अलावा भी अगर आप कुछ सोचते हैं तो 1180 के आसपास का दूसरा टारगेट रह सकता है। HCL Tech दूसरी तिमाही के नतीजे 19% YOY, सबसे बड़ी चीज टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो बड़ा जंप देखा गया है 2.4 बिलियन का, और मल्टी ईयर डील विंस है पूरे समूह में। मुझे अभी तक तो HCL Tech का ही सबसे बेहतरीन नतीजे लगे हैं, ऑफकोर्स इन्फोसिस के भी अच्छे हैं, बट HCL Tech पे खरीदारी की राय, टारगेट 1020। ओके, तो HCL Tech खरीदारी करें 1020-1180 के लेवल्स के लिए। आई कुछ और काउंटर्स जहां पर राय लेनी है, HCL Tech तो पसंद आ गया आपको सिद्धार्थ जी, कुछ मिड कैप काउंटर्स पर भी राय लेनी है। साइंट के नंबर्स कैसे लगे? यूजुअली ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है बट इस बार थोड़े कमजोर नतीजे दिख रहे हैं ओवरऑल, हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है बट अदरवाइज नतीजे कुछ ज्यादा खास नहीं थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपांशु आप, साइंट के नतीजे मार्जिन में भी मुझे मिस लगा एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। जनरली ये मिड कैप समूह में साइंट हो गया, परसिस्टेंट सिस्टम हो गया, ये सारे नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं पिछले दो क्वार्टर से। इस बार साइंट ने निराशा दिया, पर मैं मिड कैप अरीना में कहूंगा माइंट्री के नंबर ठीक ठाक थे, परसिस्टेंट सिस्टम के नंबर देखने लायक होंगे, उसके ऊपर बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। तो मैं मानता हूं कि अगर मिड कैप अरीना में कुछ देखना हो तो माइंट्री,
परसिस्टेंट ये कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। साइन के नतीजों के बाद मैं खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। ओके, एक बार चार्ट पर भी राय ले लीजिए सत्य जी, साइन के चार्ट पर कोई व्यू सर? दीपांशु, ज्यादा डेवलपमेंट्स नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर एक रेंज बाउंड एक्शन है, वीकली चार्ट पे काफी क्लियर है कि 850 का लेवल काफी अहम होगा एक ट्रेंड में बदलाव लाने के लिए। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से इसके सपोर्ट्स प्लेस्ड है लगभग अराउंड 730-715 के आसपास, मुझे लग रहा है वहां पर जाने के लिए अभी भी थोड़ी सी रूम है। तो इमीडिएट बेसिस पे ऐसे कोई ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं है। मुझे लग रहा है ये ऑस्किलेशन जो चल रहा है काफी महीनों से, वो ऑस्किलेशन कंटिन्यूड हो सके इसी पर्टिकुलर रेंज में। सो इमीडिएटली मुझे लग रहा है 730 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। एंड ऑन द हायर साइड 850 के क्लोजिंग के बाद ही कुछ उम्मीदें जागनी चाहिए फ्रॉम अ ट्रेंड रिवर्सल पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये है आपके लिए साइंट, जहां पर रखनी है आपको नजर, इस पर एक्शन दिख सकता है नतीजों के लिहाज से। थोड़े और जो काउंटर्स नतीजों पर रिएक्ट करेंगे वहां पर भी एक बार राय ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। इन्फोसिस, हिमांशु जी जरा इसके चार्ट पर नजर दें। कल इन्फोसिस का ADR 5.5% ऊपर था, आज बाजार का मूड माहौल भी पॉजिटिव है, कौन से लेवल्स रहेंगे सर इसके लिए इंपॉर्टेंट? दीपांशु देखिए, क्लियर कट पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें अटेम्प्ट देखा था बनते हुए। ऑलरेडी नंबर से पहले हमने देखा था 1350 रुपए के आसपास एक डबल पोटेंशियल डबल बॉटम बनने की अटेम्प्ट की थी। इमीडिएट रेजिस्टेंस 1470-1480 के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला था। और ऑफकोर्स आज नंबर्स और ADR को देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक 1500 के आसपास खुलने का पोटेंशियल रखता है। तो मुझे लगता है ओपनिंग पर इस गैप अप को चेज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी डिप मिलता है 1465-1470 के तरफ तो वहां पर स्टॉक में खरीदारी करें, जहां पर मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड वापस से ऑप्टिमम बनता हुआ नजर आ सकता है 1450 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड में मुझे ऐसा लगता है कि 1550 रुपए का एक पहला टारगेट है जो कि शायद आज या मंडे के सेशन में आता हुआ नजर आए। तो व्यू पॉजिटिव है, लेकिन इमीडिएट बड़े गैप अप को चेज नहीं करने की सलाह रहेगी। ओके, तो गैप अप को चेज ना करें इन्फोसिस पर, ये आपके लिए क्लियर सलाह है। माइंडट्री पर क्या करना है सुमित जी? ये भी गैप अप तो दिखाई गई, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनते हैं? दीपांशु, माइंडट्री के अंदर पोजीशंस तो होल्ड करके चल सकते हैं, डिप्स में खरीदारी भी कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट्स के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगा तो IT सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर भी एक अच्छा बाउंस, अच्छा पुलबैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसमें माइंडट्री के अंदर भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। 3300-3325 ये लेवल्स के आसपास लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। गैप अप के बाद अगर कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी करें। 3250 का नीचे में इसके अंदर सपोर्ट बनेगा और ऊपर में 3400-3450 की इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे माइंडट्री के लिए। उसके बाद और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, फिलहाल 3400-3450 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए माइंडट्री, इस पर रखिए नजर, एक्शन इस पर भी आएगा। एंजल वन, ये भी एक और काउंटर है जिस पर हमने नतीजे भी आते हुए देखे। एक बार बंसल जी एंजल वन का चार्ट देखें, इसके चार्ट्स क्या कहते हैं सर? दीपांशु, एंजल वन का अगर हम टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट तो दीपांशु यहां पर क्लियरली पॉजिटिव है, जिनके पास है बने रहने की राय है। एंड यहां पर 1555 एक अहम सपोर्ट है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। और एक बार ये स्टॉक 1624-25 के ऊपर निकलेगा तब एक बड़ा मूव टुवर्ड 1705-1710 तक का देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए एंजल वन, जिस पर रखनी है आपको नजर, नतीजों पर यहाँ पर भी मूव आ सकता है। HDFC लाइफ, ये इंटरेस्टिंग काउंटर रहने वाला है आज शीट के लिए। सिद्धार्थ जी, HDFC लाइफ पर आए, जो इनका एक्साइड लाइफ के साथ विलय हो रहा है उसको IRDAI की मंजूरी मिल चुकी है, आज से स्कीम भी लागू हो जाएगी, HDFC लाइफ पर अब क्या व्यू बनता है सर? देखिए, ये खबर पे तो कोई व्यू नहीं बनता है क्योंकि ये खबर पुरानी है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इंश्योरेंस स्पेस में अगर कोई प्राइवेट कंपनी ढूंढनी हो और अच्छी ढूंढनी हो तो वो HDFC लाइफ है। ये पूरे समूह में ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट अगर मैं देखूं इंडस्ट्री वाइज तो US के मुकाबले भारत अभी बहुत छोटा है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव भी काफी अच्छा हो सकता है। अगर CAGR की बात करो तो 15-20% CAGR ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 3 सालों के लिए। तो उस लिहाज से HDFC लाइफ जरूर खरीदारी बनती है, बट HDFC लाइफ में शॉर्ट टर्म खरीदारी ना करें, व्यू रखें तो 1 साल का व्यू। ओके, व्यू रखना है तो 1 साल का रखिए, ये है आपके लिए HDFC लाइफ, ये भी आपको एक्शन में देख सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस, जो पिरामल फार्मा का डीमर्ज हो रहा है, अब डीमर्ज पिरामल फार्मा के लिस्टिंग के लिए सभी से मंजूरी मिल चुकी है। कुणाल जी, वैसे तो कल ट्रेड में काफी कमजोर भी था बट आज बाउंस बैक का बाजार है, पिरामल एंटरप्राइजेस के चार्ट पर कोई राय सर?
देखिए बिल्कुल सही दीपांशु, कल काफ़ी कमजोरी हमने देखी और कल नहीं पूरे अगर आप एक डेढ़ महीने का चार्ट देखें तो लगातार आपको इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक पुलबैक जरूर बनेगा और पुलबैक में हो सकता है कि 850-853 तक के लेवल्स देखने को मिले, वो स्टॉक के लिए मेक और ब्रेक लेवल्स होंगे क्योंकि वो पहले सपोर्ट था, अब वहाँ रेजिस्टेंस आपको देखनी पड़ेगी। तो 855-856 के आसपास इसमें बिकवाली का दबाव आएगा, एक पुलबैक जरूर यहाँ पर बनता दिखेगा। पुलबैक जरूर आपको बनते हुए देख सकता है पिरामल एंटरप्राइजेस, ये भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। एक्शन यहाँ पर भी बनता हुआ दिख सकता है कर्नाटका बैंक, यहाँ पर इनके एमडी एंड सीईओ ने निजी कारणों की वजह से इस्तीफा तो नहीं दिया है, कहा है कि अगली बार से मैं अपॉइंटमेंट करूंगा, तो इनका कार्यकाल 14 अप्रैल 2023 में खत्म होगा, तब तक ये एमडी सीईओ बने रहेंगे, उसके बाद नए एमडी एंड सीईओ आएंगे। ऑलरेडी सिलेक्शन कमेटी को कह दिया गया है कि नया उम्मीदवार खोजा जाए, समय काफ़ी है ट्रांजिशन के लिए इनके पास। सुमित जी, चार्ट्स पर कर्नाटका बैंक सर। दीपांशु, केटीके बैंक के अंदर देखो ओवरऑल मूव तेजी का देखने को मिलना चाहिए, कोई भी डिप अगर ये स्टॉक के अंदर आता है तो केटीके बैंक कर्नाटका बैंक के अंदर तेजी करके काम करे। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 75 के पास है, 75 इसका सपोर्ट है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 87-88 के पास है, यानी 88 का लेवल जब कर्नाटका बैंक में ऊपर की तरफ टूटेगा तो केटीके बैंक के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और फिर 95 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में केटीके बैंक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, ऊपर में 88 और 95 ये टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। ओके, 88-95 इन टारगेट्स के लिए कर्नाटका बैंक पर रखनी आपको नजर। पावर मेक एक और इंटरेस्टिंग काउंटर है, बंसल जी जरा इसका एक बार चार्ट देखें। कल राइट्स की हम बात कर रहे थे, कंपनी और राइट्स का एक जॉइंट वेंचर है जिसे कल 500 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है बेंगलुरु मेट्रो रेल के लिए और इसमें पावर मैक की 49% हिस्सेदारी भी है। जरा एक बार चार्ट देखें बंसल जी पावर मैक। दीपांशु, अच्छी खासी मार्केट को आउट परफॉर्म करा हुआ है, नीचे में हम देखें तो 17, 19, 70, 85, 18, 22 के अराउंड चल रहा है, 1790 के अराउंड एक अहम सपोर्ट है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड की राय है, जिस तरीके से स्टॉक में रैली आई है वो क्लियरली दर्शाता है कि स्टॉक को गिरावट में खरीदे, तो गिरावट में खरीदा जाए, ये है आपके लिए पावर मैक, इसके काउंटर पर भी रख रहे हैं आपको रेडार। सिद्धार्थ जी, सिटी के आज दमदार रिपोर्ट आई है सीमेंट कंपनीज पर, टारगेट्स अक्रॉस द बोर्ड बढ़ाए गए हैं, कोई सीमेंट स्टॉक जो आपके रेडार पर हो इन लेवल्स पर खरीदारी के लिए? देखिए दीप, कई सारे सीमेंट स्टॉक्स है जो रेडार में है, स्पेशली ये जो अदानी का जो ट्रांजैक्शन हुआ है सीमेंट स्पेस में, जो डील हुई है इसके बाद पूरे ही स्पेस में कुछ एक बज आ गया है, साथ ही साथ ये बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर था, तो अब दिसंबर के क्वार्टर को देखते हुए हमें लगता है कि ये पूरे ही स्पेस में एक आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। इसमें अगर कोई लीडर के साथ जाना हो तो वो होगा अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक सबसे बेहतरीन 115 मिलियन टन की कैपेसिटी और कैपेसिटीज बढ़ाने की योजना, करीबन 15 से 20 मिलियन टन कैपेसिटी बढ़ाने की योजना, इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है, तो अल्ट्राटेक लीडिंग स्पेस में ये सबसे बेस्ट बेहतरीन लग रहा है। छोटी कंपनियों में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे रैमको सीमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, स्मॉल कैप में देखेंगे तो सागर सीमेंट एक कंपनी है जिसके ऊपर हम बहुत पॉजिटिव है, तो सागर सीमेंट, रैमको सीमेंट और अल्ट्राटेक। ओके, तो ये हैं वो सारे के सारे स्टॉक सीमेंट स्पेस में जो पसंद है सिद्धार्थ।